तिथे पोहोचवण्यासाठी। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद ब्लैक फंगस ने मध्य प्रदेश में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जहां इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। कोरोना के इलाज में दी जाने वाली स्टेरॉइड की वजह से कई लोगों को ब्लैक फंगस बीमारी हो रही है और इससे इंदौर में 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ब्लैक फंगस को रोकने और मरीज की जान बचाने के लिए 3 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी है। इंदौर में ब्लैक फंगस के रोजाना करीब 3 मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं और अब तक उनकी संख्या 40 से अधिक हो चुकी है।